तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान का एक बड़ा फ्रॉड एक्सपोज कर दिया गया है? वेल गाइस, हुआ क्या कि अगर आप तो फुकरा इंसान के चैनल को फॉलो करते हो तो आप उनके चैनल में मिस्ट्री बॉक्स वाले वीडियोस तो देखे ही होंगे। वेल उन काफी सारे वीडियोस में वो एक ब्रांड को प्रमोट किए जिसका नाम है हाई बॉक्स। नाउ ये हाई बॉक्स कंपनी को लेकर बहुत सारे यूजर्स कंप्लेंट करने लगे कि उनके फंड्स विथड्रॉ ही नहीं हो रहे, सारे पैसे फंस गए। अब जैसे ये सिचुएशन बढ़ने लगा तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी फुकरा इंसान के ऊपर आर्टिकल्स लिखने लगे, कुछ ऐसा कि अभिषेक मलान एक ऐप फ्रॉड में इन्वॉल्व है, वो गलत चीजों को एंडोर्स किए एंड स्टफ लाइक दिस। बट गेस व्हाट, यही सेम ऐप एंड प्रोडक्ट को बहुत सारे अदर बड़े यूट्यूबर्स भी प्रमोट किए हुए, जैसे कि एलविश यादव, क्रेजी एक्सवाईजी, सौरभ जोशी, भारती सिंह एंड मेनी अदर्स। तो फुकरा इंसान के फैंस ये सवाल उठाने लगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको ही क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो फाइनली सिचुएशन के ऊपर क्लैरिफिकेशन देते हुए हाई बॉक्स की तरफ से खुद से एक स्टेटमेंट आया जहां पर वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यूजर्स को इन्फॉर्म किए कि उनका जो विड्रॉल्स है वो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को प्रोसेस नहीं हो पाया था, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे ये चीज प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा एंड सब लोग को अपना फंड्स वापस मिल जाएगा। एंड एडिशनली हम लोग सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज स्टॉप टैगिंग एम्प्लॉइज एंड क्रिएटर्स इन द मैसेजेस रिगार्डिंग दिस विड्रॉल प्रॉब्लम, एंड स्पेशली फुकरा इंसान का, उसमें उनका कोई गलती नहीं है। एंड प्लीज बी अवेयर, हम उन सारे न्यूज चैनल्स के अगेंस्ट सीरियस लीगल एक्शन लेंगे जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं अबाउट आवर प्लेटफॉर्म। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी का ये वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया था। वेल गाइस, कल वो अपने इंस्टाग्राम में इन्फॉर्म करके बताए थे अबाउट हिज न्यू व्लॉग जो कि ओलंपिक्स के ऊपर था, पूरा फुल टूर उन्होंने अपलोड किया था। बट कुछ ही देर बाद उनका ये वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया था बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, शायद से कुछ क्लिप्स वगैरह के वजह से। तो इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने लिखा, वीडियो ब्लॉक, लेकिन एक से दो घंटों के बीच में ये वापस आ जाएगा। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, कुछ ही देर में उनका वीडियो वापस आ गया तो वो स्टोरी अपलोड करके बोले इट्स बैक ऑन। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रैना के बारे में। तो समय रैना अपना एक बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किए। वेल गाइस, करेंटली उनके चैनल में काफी पॉपुलर सीरीज चल रहा है जिसका नाम है इंडियाज गॉट लेटेंट, शायद से आप इसके बारे में सुने ही होंगे एंड देखे होंगे। वेल कल इसका एपिसोड 4 जब रिलीज हुआ था एंड इसको वो प्रीमियर में डाले थे तब 150K+ वॉचिंग चल गया था, विच इज एक्चुअली इनसेन। एंड फिर वो नेक्स्ट स्टोरी में अपलोड करके दिखाया कि उनका जो ये वीडियो है वो उनके चैनल के सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया विद इन 4 आवर्स, इसमें 1,000,000+ व्यूज आ गए। एंड व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो इसी सीरीज के एपिसोड 3 में एक कंटेस्टेंट आए थे जिनका नाम है दीपक यादव, हु वाज द विनर। उन्होंने समय रैना के साथ एक मैसेज शेयर किया था जो कि वो अपने स्टोरी में डाले, आप खुद सुन लीजिए। रियली भाई, सही में मतलब जब से वीडियो रिलीज हुआ है एपिसोड 3 तब से बहुत लोगों ने मुझे रास्ते पे पहचाना है। फैन फेस्ट में गया था तो वहां पर अराउंड 15 से 20 लोगों ने पहचाना और 5-6 लोगों ने फोटो खींचा, अप्रिशिएट किया, और कोई कोई टिकटॉकर और क्रिएटर्स भी मेरे को पहचाने, कोई डांसर मेरे को पहचाने फैन फेस्ट में, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेटफॉर्म यू हैव क्रिएटेड बलराज सर एंड द शो यू हैव क्रिएटेड समय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आर राजेश व्लॉग्स के बारे में। तो यूट्यूबर आर राजेश व्लॉग्स अपना एग्जैक्ट यूट्यूब इनकम को रिवील कर दिए। यस गाइस, आप ये पॉपुलर व्लॉगर को जानते होंगे, ही इज अ ट्रक ड्राइवर एंड लोग इनके लाइफ को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। रिसेंटली इनका एक इंटरव्यू आया था सिद्धार्थ कन्नन चैनल में एंड वो अपना एग्जैक्ट इनकम रिवील कर दिए। बेसिकली सिद्धार्थ कन्नन उनके बेटे से ये सवाल पूछे थे तब वो आगे से जवाब दिए, जो यूट्यूब एडसेंस आता है वो 4 से 5 लाख मंथली हो जाता है और कभी कभी व्यूज जब अच्छा आ जाता है तो 7 से 8 तक भी पहुंच जाता है, और बाकी स्पॉन्सर्स जो करना अभी से स्टार्ट किए हैं करीब 1 साल से उससे भी 4-5 लाख रुपए महीना आ जाता है। तो फिर सिद्धार्थ कन्नन बोलते हैं कि मतलब अप्रोक्सिमेटली आप 12 से 15 लाख रुपए महीना का कमा लेते हैं, जिस पर वो बोलते हैं कि हाँ हम लोग कमा लेते हैं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक बर्नर के बारे में। तो क्या टेक बर्नर का स्टार्टअप रिलीज गॉन रॉन्ग हो गया? वेल गाइस, कुछ हफ्तों पहले से वो अपना एक न्यू प्रोडक्ट को लेकर हाइप क्रिएट कर रहे थे एंड उनके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि ये क्या प्रोडक्ट है। इस चीज को लेकर रिसेंटली बैड न्यूज आया कि इसके लॉन्च को डिले कर दिया गया है एंड इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है उन्होंने रिवील करके बताया, आप खुद सुन लीजिए। कुछ दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि हम अपना पहला टेक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और आपने नेक्स्ट लेवल रिस्पांस दिया था, हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वो डीएम्स आ रहे थे, लोग टैग कर रहे थे, लोग पूछ रहे थे भाई क्या आने वाला है। बट जैसे ही हमने अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग स्टार्ट करी हमारी टेक्निकल टीम ने कुछ क्रैशेस फेस करे, और ये इसलिए था अगर जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है उसी को हम उठा के अपना लेवल चिपका के बेचते तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता प्रोसेस। बट क्योंकि हम सारी चीजों में इनोवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं, ऑफकोर्स उनका साथ में मिलकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने में कभी कभार थोड़ा सा डिले आ जाता है। इसलिए दोस्तों 1 महीने से हमने आप लोगों को ज्यादा कुछ अपडेट नहीं दिया क्योंकि सही बताओ तो हमको खुद नहीं समझ में आ रहा था ये प्रॉब्लम्स कैसे फिक्स होंगे, बट अब हमने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है
और हमारा लॉन्च जल्दी आप तक आने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के कुकिंग वीडियो के बारे में जिसके वजह से उनके ऊपर केस फाइल हो गया। वेल गाइस, एक यूट्यूबर है कदम कुमार, वो कुकिंग चैनल चलाते हैं एंड रिसेंटली वो एक पीकॉक करी रेसिपी शेयर किए थे जिसके वजह से बहुत सारे एनिमल एक्टिविस्ट उनके ऊपर गुस्सा हो गए कि हमारे नेशनल बर्ड को ऐसे इलीगली मार के खाना बनाया जा रहा है। तो वो लोग जब स्ट्रिक्ट एक्शन डिमांड किए तब उनके ऊपर केस फाइल हुआ। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। तो अभिषेक बच्चन अपने डिवोर्स रूमर्स के ऊपर रिएक्शन दिए। यस गाइस, रिसेंट टाइम्स में इन दोनों से रिलेटेड डिवोर्स को लेकर बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे पर्टिकुलर इंसिडेंट्स हुए जिसको लेकर लोग बात करते रहते हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ कि अभिषेक बच्चन का एक AI वीडियो भी वायरल जाने लगा था जहां पर वो बोल रहे थे कि हम लोग का डिवोर्स होने वाला है। तो इसी चीज के बारे में बात करते हुए रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने रिंग को फ्लॉन्ट करते हुए बोला कि गाइस आई एम स्टिल मैरिड, एंड फिर आगे उन्होंने कहा कि मेरे को इस चीज के बारे में आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग इस चीज को बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर चुके हो। मेरे को समझ आता है कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो, आपको भी स्टोरीज क्रिएट करना होता है, इट्स ओके, हम लोग सेलिब्रिटीज हैं तो हम लोग को ये सब झेलना पड़ता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले जेनिफर मिस्त्री वर्सेस असित मोदी के बारे में। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के एक्स एक्टर गुरुचरण सिंह असित मोदी वर्सेस जेनिफर मिस्त्री से रिलेटेड एक बड़ा चीज रिवील करके बताया। यस गाइस, करीब एक साल पहले आप लोगों को याद होगा XTMKOC की एक्ट्रेस जो है जेनिफर मिस्त्री वो हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगाई थी TMKOC के प्रोड्यूसर असित मोदी एंड उनके कुछ मेकर्स के खिलाफ। ये सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, बट इस चीज के बारे में बात करते हुए गुरुचरण सिंह रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान रिवील करके बताया कि वो उन दोनों के बीच में चीजों को फिक्स करने की कोशिश किए थे, वो दोनों से बात किए थे एंड एक मीटिंग कराने की कोशिश किए थे। अब जेनिफर तो कहीं ना कहीं तैयार हो गई थी मिलने के लिए, बट असित मोदी ने क्लियरली मना कर दिया, वो बोले कि मेरे को नहीं करना है कुछ भी पैचअप। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले डायरेक्टर डेविड धवन के एक ब्रूटल स्टेटमेंट के बारे में। तो डायरेक्टर डेविड धवन एक ब्रूटल स्टेटमेंट दिए उन एक्टर्स को जो कि OTT में मूव कर रहे थिएटर से हटके। एक शो के दौरान जब ये वाला टॉपिक उठा था कि आजकल OTT ज्यादा चलता है, थिएटर हैज लॉस्ट इट्स चार्म, तो इस चीज के बारे में बात करते हुए डेविड धवन डायरेक्टली बोल दिए कि मैं ये चीज हर एक्टर को बोलता हूं, तुमको OTT में रह के सेफ क्यों प्ले करना है, जिससे कि तुमको समझ ही नहीं आएगा कि प्रोजेक्ट चला है कि नहीं, थिएटर में आओ, अपनी औकात दिखाओ तुम। फिर आगे उन्होंने कहा कि एक्टर्स डर गए, ये लोग इसलिए थिएटर फिल्म्स नहीं कर रहे, दे आर स्केर्ड ऑफ द ब्लडी मीडिया। अपने जमाने में मेरे को याद है जब हम लोग का फिल्म थिएटर्स में आता था तब लोग क्लैप करते थे, चीयर करते थे, उस चीज का मजा ही कुछ और था। रियल एप्रिसिएशन एंड वैलिडेशन थिएटर से ही आता है, OTT तो कोई भी कर सकता है, ये बहुत ही सेफ चीज है। एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक इंडियन ड्राइवर वर्सेस पाकिस्तानी एंड उनकी एक फीमेल फ्रेंड के वायरल लफड़ा के बारे में। तो गाइस, दिल्ली से कल से वाला इंसिडेंट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली एक कैब ड्राइवर अपना जब गाड़ी चला रहे थे तब उनके पैसेंजर में एक पाकिस्तानी थे एंड उनकी एक फीमेल फ्रेंड थी। अपेरेंटली वो लोग दिल्ली के लोगों के बारे में पाकिस्तानी से कंपेयर करते हुए कुछ ऑफेंसिव बोल दिए थे जिसको लेकर वो कैब ड्राइवर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे एंड अब आगे क्या हुआ था आप देख लो। यू आर पाकिस्तानी, वेरी नाइस, यू आर वेरी नाइस, वेरी नाइस, दिस मैन हैज लेफ्ट इट ऑन द रोड एट 12:30, दिस इज इंडिया, मोदी जी इंडिया, ये है देखिए, ये है हिंदुस्तान। हाँ, तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है, बहुत बढ़िया, हलाला के औलादो तुम लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये कुछ भी नहीं है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा है, मैं आपको सॉरी, मैं आपको बोला, लेकिन एक चीज आपने उस टाइम मैंने आपको सुना कि आपने बोला कि दिल्ली में कोई उन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि आपको जो सुनना सर आप वही सुनेंगे, वो ये कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही उसमें, ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है, जैसे बॉम्बे के लोग कहते दिल्ली को मतलब है, तब कोई दिक्कत नहीं है, आपके ब्राह्मण और हिंदुओं से मुझे क्या फर्क है, वो मुझे बताई क्यों रहे, तो इंडियन ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तान को सड़क पे छोड़ देंगे। इंसल्ट करूं दिल्ली के, मैडम दिल्ली इंसल्ट सुनना या हिंदुस्तान की इंसल्ट सुनना वो मैं नहीं व्यवहार कर सकता, कोई चीज नहीं है क्या, मैं दिल्ली में बोला कि एक भी तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले कैफे के शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक वुमन क्लेम करके बोली कि जब वो एक कैफे के बाथरूम में गई थी तब वहां पर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था। यस गाइस, बेंगलुरु से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक पॉपुलर कैफे है जिसका नाम है थर्ड वेव कॉफी, वहां पर एक वुमन जब वॉशरूम गई थी अचानक से उनको एक फोन दिखा था जो कि डस्टबिन के अराउंड छुपा हुआ था एंड 2 घंटे से इट वॉज रिकॉर्डिंग।
रिकॉर्डिंग फेसिंग द टॉयलेट सीट। अब जैसे ही उनको ये फोन मिला था वो पुलिस को इन्फॉर्म की थी, पुलिस वहां पर आए एंड दे टुक द एक्शन। एंड इस सिचुएशन के बारे में बात करते हुए वो कैफे की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि हम लोग अवेयर है कि क्या अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था हमारे आउटलेट में, हम लोग स्विफ्टली एड्रेस किए ये सिचुएशन को एंड हम लोग इमीडिएटली टर्मिनेट कर दिए वो पर्सन को। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पुलिस ऑफिसर के शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है कि एलिजेडली एक पुलिस ऑफिसर 5 किलो आलू मांगे थे एज अ ब्राइब। जहां गाइस अपेरेंटली एक ऑडियो लीक हुआ था जहां पर एक पुलिस ऑफिसर फार्मर से नेगोशिएट कर रहे थे कि 5 किलो आलू दो एज अ ब्राइब। फार्मर उस ऑडियो में बोल रहे थे कि मेरा फाइनेंशियल अभी इश्यूज चल रहा है, 2 kg आलू ले लो आप। एंड इवेंचुअली वो लोग 3 kg आलू में सेटल हुए थे। अब जैसे ही ऑडियो वायरल हुआ एंड वो पुलिस ऑफिसर के सीनियर्स तक पहुंचा तब एक इंक्वायरी स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको सस्पेंड कर दिया गया एंड अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि क्या पोटैटो वर्ड एक कोड वर्ड तो नहीं है पैसा का। सो यहां तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर्षित गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके 100k सब्सक्राइबर्स एंड कलर्स टीवी कंप्लीट कर चुके 75 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मैंने कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले यूट्यूबर नॉर्मी के बारे में। तो यूट्यूब ने इस स्ट्रीमर के खिलाफ एक्शन लिया। जहां गाइस लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक यूट्यूबर नो स्लीप चैलेंज को अटेम्प्ट कर रहे थे एंड वो 10 दिन से भी ज्यादा से अवेक थे जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। Well, guess what? जैसे ये स्ट्रीम के बारे में यूट्यूब टीम को पता चला वो उसको टेक डाउन कर दिए एंड उनके चैनल में कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगा दिया गया। लेकिन वो क्रिएटर क्या किए कि वो किक प्लेटफॉर्म में जाकर स्ट्रीम करने लगे बट किक प्लेटफॉर्म ने भी उनको बैन कर दिया। अब मैक्सिमम लोग तो यही बोल रहे यार कि बहुत अच्छा किया इन प्लेटफॉर्म्स ने क्योंकि ये गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं, अपना हेल्थ को तो वो हार्म पहुंचा ही रहे बट दूसरे लोगों को भी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। एनीवेज तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो एक और पर्सन जो मिस्टर बीस्ट के लिए काम किए थे वो उनके ऊपर एलिगेशन लगा है। यस गाइस एक यूट्यूबर ने मिस्टर बीस्ट के खिलाफ वीडियो अपलोड किया जहां पर वो एलिगेशंस लगाए कि वो उनके आइडिया को चोरी किए एंड उसके लिए उनको कोई भी क्रेडिट्स या फिर पैसा नहीं दिया गया। इस वीडियो में वो दिखाए कि कैसे इनिशियली उनको मिस्टर बीस्ट टीम की तरफ से ईमेल आया था कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप इधर आओ एंड हम लोग के साथ आइडिया शेयर करो। जिसके बाद वो बिहाइंड द सीन्स फुटेजेस वगैरह भी शेयर किए थे दिखाते हुए कि मैं उधर गया था। देन वो जो आइडियाज वगैरह शेयर किए थे बोर्ड में बना के मिस्टर बीस्ट टीम को उसके फोटोज को वो दिखाए। एक स्टंट वाले वीडियो का प्रॉप उन्होंने शेयर किया था। अब सामने सामने तो मिस्टर बीस्ट टीम वाले उनको बहुत अच्छा बोल रहे थे कि भाई तुम बहुत अच्छा आइडिया दियो, बहुत बढ़िया है। बट जैसे वो वापस गए तो उनको बता दिया गया कि हम लोग आपको हायर नहीं कर सकते अभी। एंड फ्यू डेज लेटर मिस्टर बीस्ट के तरफ से एक वीडियो आया जहां पर उनके आइडिया को यूज किया गया था और इस चीज के लिए ना ही उनको क्रेडिट या फिर पेमेंट मिला। अब जैसे ये वाला वीडियो वायरल जाने लगा मिस्टर बीस्ट टीम भी इस चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हुए बोले कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये आइडियाज के बारे में हम लोग बहुत टाइम पहले से ही डिस्कस कर रहे थे एंड इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आर्ट भी उन्होंने शेयर करके दिखाया कि बहुत पहले से हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। सो या तो चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।